हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्याम इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में। ठीक है दोस्त, अगर आप नए इलेक्ट्रीशियन हैं और स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में नहीं मालूम है तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, हमारे वीडियो को बिना स्किप किए। ठीक है दोस्त, तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्टार और डेल्टा के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने थ्री फेज का एक मोटर ले लिया और मोटर के अंदर जो टर्मिनल कनेक्टर है इस तरह रहता है, आप देखेंगे ना तो वहाँ पे वायर कनेक्ट रहता है। इसमें जो लिखा रहता है U2, V2, W2, E1, V1, W1। ठीक है दोस्त, तो इस बॉक्स में से हम लोग कनेक्शन करेंगे, तो जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो कनेक्शन अभी हम कर रहे हैं, ये जो मोटर के वाइंडिंग के अंदर जो है ना, ये ऑलरेडी इसमें मोटर में बना रहता है, तो इस तरह होता है कनेक्शन। इसके अंदर आपको बता दूँ, ये रेड जो है, रेड कलर U1 और U2 फर्स्ट में कनेक्ट होगा और येलो V1 V2 में कनेक्ट होगा। ठीक है ना, येलो। तो ऐसे क्या है, वायरिंग पहले से ही करके आ जाता है मोटरों में। ठीक है दोस्त, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब वाइंडिंग होता है तो उसी के साथ ये कनेक्ट रहता है और इस तरह का नंबर उसमें लिखा रहता है। ठीक है दोस्त, तो इसी में हम लोग थ्री फेस का कनेक्शन देंगे। कैसे देंगे आप जान लेते हैं इसमें। ठीक है, तो आप उसमें ज़्यादा वायर देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना वायर है कहाँ पे, हम कनेक्शन करें थ्री फेस वायर का। और इस तरफ पत्ती है ना, आपस में जुड़ी रहेगी, तो आप समझ जाइएगा स्टार कनेक्शन है। ठीक है ना दोस्त, ये आपस में जुड़ी रहेगी, ऐसे दो पत्तियाँ आपस में जुड़ी रहेगी, जैसे कि डायग्राम में भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है दोस्त, ऐसे जुड़ी रहेगी, तो ये स्टार कनेक्शन हो गया। ठीक, हम लोग जान लेते हैं, अगर थ्री फेज का कनेक्शन देना हो आपको RYB है तो कैसे देंगे। तो फर्स्ट है ना, R जो है L1 वो E1 में डालेंगे और L2 जो है येलो कलर V1 में डालेंगे। ठीक है, और W1 ये L3 जो है W1 में डालेंगे। ठीक है दोस्त, ये तो क्लियर हो गया ना, ये ऐसे ही कनेक्शन होगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, थ्री फेज का मोटर हो तो ऐसे कनेक्शन करना है। ठीक है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये अंदर में ही पहले ही से वाइंडिंग करके ऐसे आया गया वायर। ठीक है ना, आपको बस थ्री फेज L1 L2 L3 लगाना है U1 में V1 में और W1 में। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लेना। दोस्तों, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, जो अभी डायग्राम में दिखाया, ये मोटर के अंदर जो कनेक्शन है, कनेक्शन बॉक्स है, इसी तरह आएगा आपका वायर। बस आपको इसमें थ्री फेस कनेक्शन कर देना है, जो कि जो आप देखें ना, एंड और फर्स्ट जो ऐसी तरह वाइंडिंग होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। ठीक है दोस्त, तो आगे हम लोग जान लेते हैं, अभी हम लोग डेल्टा कनेक्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है, अभी स्टार कनेक्शन तो हम लोग देख लिए, डेल्टा कनेक्शन कैसे होगा जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें वाइंडिंग में अगर कनेक्शन बॉक्स में कनेक्शन होता है तो आपको बता दूँ, U1, V1 और W1 सेम स्टार तरह ही रहेगा, लेकिन आपका RYB जो ऊपर का जो है वो सेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपस में चेंज हो जाएगी, आप डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे चेंज हो जाएगा और इसका पत्ती स्ट्रेट रहेगा, तीनों में कनेक्ट रहेगा इसको। ठीक है ना, आपस में जुड़े रहेगा पत्ती, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये डेल्टा कनेक्शन है। ये पत्ती से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेल्टा कनेक्शन है, कुछ इस तरह आपके बॉक्स के अंदर बना रहेगा। ठीक है ना दोस्त, मोटर के बॉक्स जो खोलेंगे ना, कनेक्शन बॉक्स, उसके अंदर बना रहेगा। यहाँ डायग्राम में आप देखिए, आपको प्लेट के बाहर ही ऐसे भी डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है ना, ये प्लेट ऐसे मिल जाएगा, मोटर के बाहर ऐसे प्लेट लगी रहती है। ठीक है, तो ये आपस में ऐसे लूप रहेगा। ठीक है, तो आप समझ जाएगा कि ये डेल्टा कनेक्शन है। अब इसमें सेम उसी तरह U1, V1 और W1 कनेक्शन कर देना है। ठीक है ना, थ्री फेस लाकर इसमें वायर कनेक्ट कर देना है। तो ये वेरी सिंपल है आपको वायरिंग। दोस्तों, हमारे वीडियो से आपको नॉलेज थोड़ा भी मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अभी जो भी आप वीडियो आएगा तो आपको लाइव और साइट पर मैं दिखाऊँगा वीडियो कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे होता है, बक्स कैसे लगता है, पैनल कैसे लगती है। ठीक है दोस्त, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।